Sorry, this is morning here, and you can see there a very small but very significant point. MHIR or enter. और बहुत बार आप वाक्यों में देखते हैं कि MHI का प्रयोग नहीं करते हैं, RHI का प्रयोग करते हैं। सभी जितने भी किताबें हैं, जिन भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, उन्होंने आपको ये समझाया कि MHI नहीं होता है, RHI होता है। लेकिन क्या कोई किताब आपको याद आती है जिसमें ये लिखा हो कि क्यों नहीं होता है? तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूं कि MHI क्यों नहीं लेते हैं, RHI का प्रयोग क्यों करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वजह है कि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम देखते हैं। ये दो शब्द आप देखिए, कॉन्डेम और ये पढ़ है आपका वॉच। ध्यान से इन शब्दों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्डेम में जो एन के बाद ये आपने एन लिया वो साइलेंट हो जाता है, ये जो एन के बाद एन लिया आपने ये साइलेंट हो जाता है। अगर एन के बाद एन रखने मात्र से एन साइलेंट हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एन के बाद एन जो है वो गायब हो जाएगा, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो। देखा एन के बाद क्या है, एन। और अगर ये बगल में रखने की वजह से साइलेंट हो जा रहा है तो यदि आप इन्हें क्लोजली एक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जोड़ेंगे तो फिर जुड़कर ये कैसे रह सकते हैं? आप समझिए मेरी बात, एन के बगल में एन है यानी इसका ये पड़ोसी पटीदार है, ठीक है, नेबर है। अगर इसके बगल में रह करके इसका अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन हो यानी दोनों दिल से अगर जुड़ रहे एक दूसरे के साथ तो कभी नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे नेबर्स हैं, ऐसे पड़ोसी हैं जो हार्डली यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कभी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते। प्रॉब्लम क्या है आपकी या ग्रामर की कि जब तक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जुड़ेंगे नहीं एम और नॉट यानी ऐसे बनेंगे नहीं तब तक कभी भी क्वेश्चन टैग बन नहीं सकता है। एक क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हर हाल में इन्हें आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, आपस में जोड़ना होगा, और ये आपस में कभी जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया एम और एन, देखिए एन क्या हो गया, लास्ट में साइलेंट हो गया। पता है क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये जो एम और जो एन है ये दोनों एबट कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एबट, एबट कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। एबट कॉन्सोनेंट्स में उसका आस पास रहने वाले, और आप अक्सर देखते होंगे दो पटीदारों में आपस में कभी नहीं पटते। दिस इज द रीजन कि जब भी एम और एन एक साथ लास्ट में आएंगे तो एन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसे हमेशा के लिए क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो जब ये जुड़ेंगे तो नॉट जो है उसका जो एन, ये जो एन है आपका और जो ये एम है ये कभी भी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं। तो अब ग्रामेरियंस के पास ये ऑप्शन था कि एनेंट वो ले नहीं सकते थे, उनके पास दो ऑप्शंस थे, एजेंट और अरेंट। तो आप समझते हैं आई के साथ हम डोनाट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में यानी प्लूरल मानते हैं, आई के साथ हम हैव नॉट का प्रयोग करते हैं यानी प्लूरल मानते हैं, तो इन दोनों में से प्लूरल क्या है, समझ रहे ना, इन दोनों में से प्लूरल क्या है, अरेंट। इसीलिए इस एमेंट के बजाय अरेंट का प्रयोग किया। अब अगर ये बात हम लिखें आई एम कमिंग, ऑरेंज आई, अब ये सही है। हमारे एग्जाम में हमको क्या दे दिया जाता है, यहां पर एमेंट आई दे दिया जाता है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था आपको ये बताना कि क्यों ऑरेंज आ रहा है, एमेंट क्यों नहीं आ सकता है। तो आप किसी को समझा सकते हैं कि ये जो एम है और एन है ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं,
क्योंकि ये एपर्चर कॉन्सोनेंट्स है। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हर हाल में क्या लेना होगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म लेना होगा। और ये एम और एन कॉन्ट्रैक्टेड में कभी एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ऑप्शंस बना दिए गए कि एमेंट के स्थान पे आप क्या ले लें, आप ऑरेंज का प्रयोग कर लें। एंड दिस इज द रीजन वी डू नॉट यूज एमेंट आई, वी यूज ऑरेंज आई। लास्ट में फिर से एक बार, एमेंट आई क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि एम और एन एबर्ट कॉन्सोनेंट्स हैं और ये एबर्ट कॉन्सोनेंट्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ग्रामेरियंस ने उस एमेंट के स्थान पे इजंट और आरंट में से एक चुना। इजंट इसलिए नहीं चुना क्योंकि प्रेजेंट में आई के साथ हमेशा प्लूरल लेते हैं, इसलिए क्या चुना, एमेंट के स्थान पर उसने चुन लिया आरंट आई। ओके, तो एम और एन जुड़ नहीं सकते हैं एबर्ट कॉन्सोनेंट्स की वजह से, इसलिए एमेंट आई नहीं लिया गया। क्वेश्चन टैग केवल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही बनाया जा सकता है, जोड़ के ही बनाया जा सकता है, इसीलिए इनका एमेंट आई का प्रयोग न करके हम क्या करते हैं, आरंट। ओके, विश्वास है आपने इसे समझा होगा और कल को आपको अगर किसी को समझाना रहेगा, बताना रहेगा, तो आप इसे बेहतर बता सकते हैं कि एम और एन एबर्ट कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जुड़ नहीं सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉन्डेल का, जिसमें एन साइलेंट हो जा रहा है, लेकिन बगल में रहने के बावजूद ये दूसरे के साथ नहीं निभा पा रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे तो कभी नहीं निभा पाएंगे, और इसलिए ग्रामेरियंस को एक ऑप्शन ढूंढकर एमेंट के स्थान पे क्या लगाना पड़ा, आरंट आई का प्रयोग करना पड़ा। ये सही हो गया और ये गलत हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।